हमारा चना पुलाव रेडी है, मज़ेदार चना पुलाव। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और हम आप ही खैरियत चाहते हैं। आज हमारा दिल कर रहा था कि हम चना पुलाव खाएं, तो हमने कहा क्यों ना आज आपसे चना पुलाव की रेसिपी शेयर करें, खुद भी खाते हैं आपको भी इंजॉय कराते हैं। तो चले करते हैं हम अपनी तैयारी चना पुलाव की। हाँ जी, तो ये हमने आधा किलो चावल भिगोए हुए हैं और ये हमने थोड़े चने 1 कप लिए हुए हैं। ये मैंने पहले ही लेके ना ज़्यादा चने उनको बॉईल करके और पोर्शंस में रख देती हूँ, जब दिल करता है निकालती हूँ और पुलाव चना चाट कुछ भी बना के खा लेती हूँ। ये चिकन स्टॉक है, अगर आपका दिल करे डालें, दिल करे ना डालें, वैसे भी मज़े का बन जाता है। और इसके लिए हमने काटा है 1 प्याज, ये हमने थोड़ा हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें हैं, 5-6 जवे लहसुन के हैं और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है, ये ले लिया है। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और ये हमने खड़े मसाले ये देखें जिसमें ज़ीरा, सौंफ, सूखा धनिया, दालचीनी, हर चीज़ है, छोटी वो काली मिर्च दाने जो होते हैं और वो रेड साबुत मिर्च, इन सबको मिला के, और 1 कप ऑयल है, इन सबको मिला के हम आप बनाते हैं चना पुलाव। हाँ जी, तो ले लिया हमने 1 पैन, अब हम इसके अंदर डालते हैं ऑयल को, हल्का सा गर्म होने देंगे। ये देखें जी, हल्का सा ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई मसाले, इसको हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्की सी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। देखें ये हल्का सा रंग छोड़ दिया इन्होंने, अब हम डालेंगे प्याज, जैसे ये गोल्डन होता है फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे। हाँ जी, तो ये देखें प्याज गोल्डन होने की तरफ आ रहा है, बस हल्का सा और इसका रंग बदलता है, तो हम इसके अंदर अदरक और लहसुन डालेंगे जो हमने हरी मिर्चें डाल के पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये जी जा रही है, ये 2 चम्मच तकरीबन ये जा रहा है। अब इसको हम अच्छी तरह से, जब तक इसकी खुशबू मज़ेदार से आने लग जाए तब तक भूनते हैं। लहसुन और अदरक का कच्चा पन नहीं रहना चाहिए, जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और नमक मिर्च ऐड करेंगे। इसके साथ साथ प्याज भी हो रहा है और साथ साथ अदरक लहसुन हो रहा है। हाँ जी, ये देखेंगे ये कलर कितना प्यारा सा हो गया। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, भूनेंगे, साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक। नमक क्योंकि हमने जब टूटा था अदरक लहसुन तब भी डाला था उसके साथ, 1 चम्मच ही डालेंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर गाढ़ा मिर्च, ज़्यादा नहीं डालनी फिर बहुत स्पाइस हो जाएंगी, हरी भी है रेड दूसरी भी है, गाढ़ा मिर्च चाहिए थोड़ी सी। और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी। चलेंगे अभी इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, पानी डाल के थोड़ी देर ढकना दे के ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए बस दम लगा देते हैं। हाँ जी, तो ये 3-4 मिनट हो चुके हैं, टमाटर नरम पड़ गए हैं, देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए हैं, पानी भी मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चने, चनों को ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही भूनेंगे, इनको डाल के अच्छी तरह से भूनते हैं टिक्की को। हाँ जी, ये देखें जी हो गए, अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा धनिया हमारा रह गया तो वो डालेंगे और थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, फिर अब इसमें हम डालेंगे पानी और चिकन स्टॉक। हाँ जी, ये डालेंगे हम पहले चनों वाला पानी जो चनों के अंदर ही था। हाँ, एक बात आपने याद रखनी है कि जब चने आपने फ्रीज करने हैं ना, कि जब भी दिल करे आप चना पुलाव बनाएं ये करें, उसके अंदर चनों का जो पानी होता है ना बॉयल के दौरान, वो लाजमी रखना है, वरना चना पुलाव का मज़ा नहीं आएगा। जी, पानी के बाद डालेंगे जी हम 1 कप भर के, ये हमने यखनी निकाली हुई है, 1 कप भर के डालेंगे। जैसे ही इसमें अब जोश आता है ना, तो हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं, चावल डाल के दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो ये हल्के हल्के बबल आने शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं चावल। ये चावल चूँकि नए हैं इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं हम डालेंगे, ये ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो ये फिर बहुत ज़्यादा ढीले बन जाएंगे, इसको हमने खड़े खड़ों को ही दम लगाना है। ये गए इसमें 1/2 kg चावल,
हाँ जी, तो ये अब एक बॉईल आता है ना, तो फिर हम आग को थोड़ा सा हाई से थोड़ा सा कम करेंगे और इसको पकने देंगे। देखेंगे पकने के पास पास जा रहे हैं। देखेंगे ज़बरदस्त से हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये देखें जब ये इस फॉर्म में आ जाए ना, थोड़े थोड़े पानी और थोड़ा थोड़ा चावल नज़र आने लग जाए, लेकिन नज़र पानी भी हो। अभी थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम होता है ना, फिर हम ऐसे इसको दम लगा देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा सा डालेंगे धनिया, थोड़ा रख लेंगे गार्निश के लिए। धनिया डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्चें, हरी मिर्चें डाल लें। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि चावल बिल्कुल नज़र आने लग गए हैं, लेकिन अंदर इसलिए देखें यखनी भी है इसके ना, पानी भी है, ये देखें देखें अभी पानी है, ये देखें। अब इस टाइम पे आ गए ना, हम इसको लगा देंगे दम, और ये अपने ही पानी में चावल भी गल जाएंगे और ऐसा दम भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, तो ये हम करते हैं इसको बंद। इसमें हम ना थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल देते हैं ताकि कलर अच्छा आए। तो ये देखें, हम ऐसे ही सूखा सूखा ही छिड़क देंगे और चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा चावलों को कलर दे देंगे। इसी एरिया को ज़्यादा नहीं हमने हिलाने जुलाने। ये देखें, ये देखें कलर दे दिया। अब हम इसको लगाएंगे दम। दम के बाद हम आपको दोबारा मिलते हैं। लो जी, लग गया दम। अब 15 मिनट दम देंगे इसको हल्की आंच पे। हाँ जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं, हम अब दम उठाते हैं। ये देखें कितने खिले खिले चावल माशाल्लाह से बन गए, ज़बरदस्त। ये देखें कैसी लुक आ रही है माशाल्लाह, खड़े खड़े और गले हुए, ये नहीं कि खड़े खड़े और कच्चे, खड़े खड़े और गले हुए चावल बने हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो ये हमारा चना पुलाव रेडी है गार्निश के साथ। इसको हमने टमाटरों, थोड़ा सा धनिया, छोटे कटे टमाटर और हरी मिर्चों से गार्निश किया है। ये चना पुलाव की लुक देखें, ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये देखें कैसे शक्ल, एक एक दाना लेदा लेदा, मज़ेदार चना पुलाव। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हमारे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर दिल करे, अच्छा लगे हमारा कोई भी काम, तो कमेंट तो लाजमी करना है। बुरा भी लगे तो वो भी बता दीजिए कि क्या गलती हो रही है, कहाँ पे हम गलत हैं, हमारी सलाह के लिए भी आप करें। ज़रूरी नहीं कि तारीफ ही हो। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।